जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना आयुष्कामी अध्याय। तो पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इस चैप्टर को समझने की देर है। और जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में या कोई भी चीज़ उनसे छूट रही है तो उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। और जिन्होंने हमारी ये इससे रिलेटेड पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लें। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे षड रसों से, तो आइए चलते हैं अपने षड रसों पे। षड रस, षड यानी कि छः और रस का मतलब होता है कि रस अर्थात जिसका रसना के द्वारा ज्ञान होता है। रसना जीव को बोलते हैं, यानी कि जिसका जीव के द्वारा ज्ञान होता है उसे षड रस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे षड्रस होते कौन कौन से हैं। तो आयुर्वेद में रसों की संख्या छः बताई गई है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा स्वादु या जिसको हम मधुर भी बोलते हैं, और अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। ठीक, स्वादु का मतलब होता है मीठा और अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अम्ल मतलब एसिड टाइप का हो, हल्का सा जो खट्टा जैसा लगे तो वो अम्ल बोला जाता है। और लवण जो नमकीन नमक जैसा हो। और तिक्त और कटु, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए इसके एग्जाम्पल हमने आगे दे रखे हैं। तो तिक्त वो होगा जो नीम के जैसा हो, कड़वा। ठीक, और कटु वो होगा जो काली मिर्च जैसा हो। ठीक, और कषाय, कषाय का मतलब कसैला, जैसे कि हरीतकी हमारी होती है तो वो कषाय रस में आती है। ठीक है, और ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं या रस की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है तथा इसके बाद सभी रस उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे जो बलवान होता है तो वो होता है मधुर रस, यानी कि अगर हम मधुर रस का सेवन करेंगे तो हमको ज़्यादा बल देने वाला होगा। या जो भी द्रव्य हमारे हैं, ऐसे द्रव्य जिनमें मधुर रस ज़्यादा पाया जाता है तो उनका अगर हम सेवन करेंगे तो वो हमें ज़्यादा बलदायी होगा। और जो अम्ल है तो वो उससे कम बलदायक है, फिर उससे कम लवण बल प्रदान करेगा, फिर कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। ठीक है, तो इस तरह से कषाय से हमें, जो भी कषाय वाले हैं तो उनसे हमें कम बल मिलेगा और सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें मधुर रस वालों से। अच्छा, यहाँ इसके मधुर रस के बल ज़्यादा देने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पता है? ये जो मधुर रस होता है तो ये कफ का वर्धन करता है, यानी कि कफ को बढ़ाता है। और कफ अगर बढ़ेगा हमारे अंदर तो कफ जो होता है वो बलवर्धक होता है। ठीक है ना, समझ अब समझ में आने लगा हो कि जो हमने वात पित्त कफ के जो हमने गुण पिछले वीडियो में पढ़े थे तो उन गुणों को हमें कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। मतलब जिसका अगर हमें बल बढ़ाना है तो उसे हम मधुर रस का सेवन करा देंगे, और जिसका घटाना है तो उसे कषाय रस का सेवन करा देंगे, क्योंकि कषाय रस जो होता है वो होता है वात वर्धक। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ के चलना है तो फिर आगे के चैप्टर जो है वो हमारे लिए और आसान होते चले जाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं जो रस होते हैं हमारे, इनका हमारे दोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो भी ये षड रस हैं तो ये हमारे वात पित्त कफ ये जो दोष हैं तो इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर हम ये इन रसों का सेवन करेंगे तो हमारे दोष किस तरह से बढ़ेंगे और घटेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्टिंग के तो आप याद कर लेंगे कि मधुर अम्ल लवण और उसके बाद के तीन कटु तिक्त कषाय। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आसान। तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो ये क्या करेंगे, जो मधुर अम्ल लवण है तो ये स्टार्टिंग के तीन कफ को बढ़ाते हैं, और जो कफ को बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वात को घटा देंगे। और ये जो कटु तिक्त कषाय होते हैं तो ये वात को बढ़ा देते हैं और ये कफ को घटा देते हैं। तो यानी कि ये देखने को हो गया कि स्टार्टिंग के तीन और अंत के तीन तो ये एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। ठीक, यानी कि एक कफ को बढ़ा रहा है, एक वात को बढ़ा रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत गुण वाले हैं। तो अब हमारा रह गया एक दोष, वात हो गया, कफ हो गया, तो हमारा एक दोष रह गया, वो रह गया पित्त। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे कि उसके बारे में हम थोड़ी सी अकल लगाएंगे। ठीक है, तो उसे भी लगे हाथ निपटा देते हैं। तो अकल लगाने का मतलब ये होता है कि देखिए, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अम्ल कटु लवण है तो उसमें बस हमें अकल लगानी है कि ए से हो गया अम्ल, के से हो गया कटु, और एल से अकल। तो ये हमारी हो गई पित्त को याद करने की ट्रिक, कि जो अम्ल लवण और कटु वाले हैं तो ये पित्त को बढ़ा देते हैं, और जो बाकी बचे तीन मधुर तिक्त कषाय तो ये पित्त को घटा देते हैं। तो इस तरह से हमें इसको समझना है और इसको याद कर लेना है।
अच्छा, जो पित्त प्रकृति का जो पुरुष होता है तो उसका एक गुण होता है कि वो अकलमंद भी होता है। तो इस तरह से आप इसको जो है पित्त पुरुष के लक्षण पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि मतलब हमें अगर पित्त का नाम या ध्यान में आता है तो हमें बस अकल लगानी है और हमारे सारे दोष तैयार हो जाएंगे। कि जो पित्त वाले हैं उसमें सिर्फ हम अकल लगा लेंगे, यानी अम्ल कटु और लवण, और जो कफ और वात वाले हैं तो उसमें हम कफ देखेंगे, जो स्टार्टिंग के तीन है वो कफ बढ़ाएंगे और जो एंड के तीन है वो कफ को घटाएंगे और वात को बढ़ा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा रसों और दोषों का संबंध तैयार हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और पढ़ते हैं हम द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो ये इसमें बताया गया है अष्टांग हृदय में कि ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है शमन, नंबर दूसरा कोपन और तीसरा स्वास्थ्य हितकर। शमन का मतलब जैसे होता है कि दबाना, किसी चीज़ का हमने शमन कर दिया। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे मेहमान चल के आया आपके यहाँ, तो चल के आया तो वो उसका वात बढ़ गया, क्योंकि चलने फिरने से या व्यायाम करने से वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो संस्कार हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं सबसे पहले। तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जैसे अगर हम उसको पानी देंगे तो पानी स्निग्ध गुड़ का होता है, तो वो कफ को बढ़ा देता है और वात का शमन कर देता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जो उसकी बढ़ी हुई वात होती है तो वो डाउन हो जाती है, तो उसके सारे दोष साम्यावस्था में आ जाते हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ अब ठीक है। तो ये मेहमान की खातिरदारी हो गई हमारी। तो अब आते हैं अपने कोपन पे, कि जो कोपन वाला होता है ये वातादि दोषों को कुपित करता है। तो जैसे मान लो कोई कफज प्रकृति का पुरुष है, ठीक है, तो उसे हमने कोई एक ऐसा पदार्थ दिया जो उसका कफ बढ़ा दे। जैसे कोई कफज प्रकृति का पुरुष है तो हमने उसको उड़द दे दिया या घी दे दिया, या जो हमने कफ के गुण पढ़े हुए हैं उसमें, तो गुरु है, शीत है, स्निग्ध है, तो ये सब गुण जो हैं कफ के, तो अगर हम उसको दे देंगे तो उसका कफ बढ़ जाएगा, तो उसका कफ जो है साम्यावस्था में नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ जो है कोपन कार्य करेगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कफ प्रकृति की चीज़ है वो कफज वाले के लिए ही कोपन काम करेगी, वात वर्धन वात वाले के लिए तो वो बड़ी मज़ेदार चीज़ रहेगी, तो क्योंकि वो वात का शमन कर देती है। ठीक है, तो कफ वर्धक चीज़ कफ वाले के लिए कोपन का काम करेगी, वात वर्धक के लिए कोपन का काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। अब हम आते हैं अपने स्वास्थ्य हितकर पे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वास्थ्य हितकर जो हमारे स्वास्थ्य को एकदम भला चंगा कर दे। ठीक है, जैसे कि हमारा अश्वगंधा हो गया, गुडुचि हो गया, तो गुडुचि का एक नाम वैसे आपको बताते चलें कि यहाँ पे कि गुडुचि को अमृता भी कहते हैं, कि ये अमृत के समान गुणकारी होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के लिए, मतलब छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो सबके लिए ये फायदेमंद होती हैं, यानी कि ये स्वास्थ्य पुरुष के लिए हितकारी होती हैं। तो जो स्वस्थ होता है तो उसके ये स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, तो इसीलिए ये स्वास्थ्य हितकर हो कहलाती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि शमन द्रव्य, जो द्रव्य शमन यानी कि शांति कारक होता है, वह उस दोष को प्रकुपित करने वाला नहीं होता, पर कुपित करने वाला नहीं होता है, जैसे तेल, घृत और मधु। तो अब यहाँ इन्होंने नीचे बताया है कि तेल तेल कैसे शमन द्रव्य का काम करता है, कि तेल स्निग्ध उष्ण गुरु गुरु वाला होने के कारण वात दोष का शमन कर देता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था वात के गुण, तो ये वात के गुण के एंटी जो गुण हैं तो वो हैं उष्ण गुरु स्निग्ध, तो ये वात का शमन कर देते हैं, क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। अब दूसरा है हमारा घृत, तो जो घृत होता है वो उसका गुण होता है मधुर, शीत, मंद, तो ये क्या करता है, तो ये अपने से विपरीत गुण वाले पित्त दोष का शमन कर देता है। अब अगला है हमारा मधु, तो ये मधु होता है रुच, तीक्ष्ण और कषाय गुण का होता है, तो ये अपने से विपरीत गुण वाले कफ का शमन कर देता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं जो कोपन द्रव्य है, तो ये जो कोपन द्रव्य होते हैं जो वातादि दोषों, रसादि धातुओं तथा मूत्रादि मलों को प्रकुपित करता है, कोपन कहलाता है। जो द्रव्य कोपन होगा वह शमन नहीं हो सकता, जैसे यवक, माश, सरसों का तेल आदि, यानी कि जो ऐसे द्रव्य जो हमारे त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ और रसादि धातुओं तथा मूत्रादि मलों, यानी कि ये तीन चीज़ों से ही मिलके शरीर बनता है हमारा, तो इन चीज़ों को जो प्रकुपित कर देगा वो कोपन कहलाएगा। अभी हमने क्लियर किया हुआ था, तो वही
चीज़ यहाँ पे भी कही गई है कि जो द्रव्य कोपन होगा वह शमन नहीं हो सकता है, जैसे यवक हो गया, माश, सरसों का तेल आदि। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर्य के बारे में। तो वीर्य को हम जैसे मॉडर्न में अगर हम जाने तो जैसे इसको हम पोटेंसी बोल सकते हैं, या फिर अगर हम उर्दू में इसको जाने तो इसको तासीर बोल सकते हैं कि ठंडी तासीर का है या गर्म तासीर का है। तो इसके बारे में देखिए जो कहा गया है वो ये कि द्रव्य की कार्य करने की क्षमता वीर्य कहलाती है। द्रव्य में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार का वीर्य माना जाता है, नंबर एक शीत, नंबर दो उष्ण, यानी कि ठंडा या गर्म। जो भी हम जैसे खाते हैं तो कहते हैं कि ये मत खाओ चीज़, ये ठंडी है, आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, उष्ण मत खाओ, ये मत खाओ, तो उसी तरह से इसको समझाया जाता है। और ये जैसे यहाँ पे वांगभट्ट ने कहा है ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 प्रकार के भी वीर्य माने हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो यहाँ पे बताया गया है हमको, पहले हम अभी हम उतना ही पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम विपाक। विपाक जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कुछ पाचन क्रिया होगी, पाक क्रिया होगी। विपाक के बारे में कहा है कि सभी प्रकार के रस वाले द्रव्यों का भोजन के पाचन के रूप में जिसका अनुमान द्वारा निर्णय किया जाता है, वह रस जठराग्नि द्वारा पाक हो जाने पर उपर्युक्त 3 प्रकार का पाया जाता है, इसे विपाक कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल तथा कटु। ठीक है, तो इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसे समझिए इसको कि जैसे हम जो खाना खाते हैं तो हमारे खाने में होते हैं सारे रस, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक, तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो खाना पहुंचा हमारा आमाशय में, आमाशय में जाने के बाद उस पर होती है जठराग्नि की क्रिया, फिर जठराग्नि की क्रिया हुई, अग्नि उसका पाक करेगी भोजन का। ठीक, भोजन का जब पाक हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे 6 रस थे, तो हमारी अग्नि की क्रिया होने के बाद वो 6 रस, सिर्फ 3 रस बचते हैं उसमें से। तो 3 रस हमारे ये हैं कि मधुर, अम्ल तथा कटु। तो ये 3 प्रकार के रस होते हैं जिससे हम कह देते हैं कि हमारे भोजन का विपाक हो गया। तो इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारा रस हमने इस प्रकार का खाया था तो इस प्रकार का रस बना होगा जाके। यानी कि अगर हमने भोजन में मधुर तथा लवण रस वाले द्रव्य खाए हैं तो हमारा विपाक बनेगा जाके मधुर, अम्ल रस वाले खाए हैं तो उनका विपाक बनेगा अम्ल, और अगर हमने कटु तिक्त कषाय वाले खाए हैं तो उनका कटु विपाक बनेगा। तो ये हो गया हमारा विपाक का टॉपिक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण, द्रव्य के गुणों का वर्णन। तो ये ऐसे गुण हैं कि इनसे हमारा पूरे 5 साल पीछे नहीं छूटना है, तो कसम खा के रख लो कि हमें ये सारे के सारे नाम याद करने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको तो याद करना ही करना है, कैसे भी आप याद करो लेकिन आप याद करो इसको, क्योंकि ये श्लोक जब आपको याद होगा उसके बाद ही आपको सारे के सारे गुण आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं श्लोक हमारा। गुरु मंद हिम स्निग्ध शिलक्षण सांद्र मृदु स्थरा गुणा सत्सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्ययः। तो ये श्लोक ही आपकी ट्रिक है, आइए देखते हैं कैसे। इन्होंने दिखाया है यहाँ पे जो 10 गुण हैं हमारे, कि गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, शिलक्षण, सांद्र, मृदु और 8वां स्थिरा। ठीक, ये हो गई हमारी श्लोक की पहले लाइन। अब इन्होंने कहा है कि गुणा सूक्ष्म विशदा, कि जो हमारे गुण हैं वो है सूक्ष्म और विशद। ठीक, और वो जो बाकी हमारे ये 20 बनेंगे कैसे, विंशति सविपर्ययः, जो इनके उल्टे हैं, जैसे गुरु का हो गया हमारा लघु, मंद का हो गया तीक्ष्ण, हिम का हो गया उष्ण, स्निग्ध का होता है रुक्ष, श्लक्षण का होता है खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, सूक्ष्म का स्थूल, विशद का पिच्छिल। ठीक, तो इस तरह से हम अपने, अगर हमको ये स्टार्टिंग के 10 पता होंगे तभी हम ये दूसरे वाले 10 निकाल पाएंगे इसमें से, कि हाँ तो और स्टार्टिंग के हमें 10 याद करने के लिए करना क्या है कि हमको सिर्फ श्लोक याद रखना है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये श्लोक हमको याद करना ही करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि ये श्लोक जो है याद हो गया तो आपको पदार्थ विज्ञान में भी हेल्प करेगा, और जो आगे भी 5 साल में जो आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये श्लोक याद आएगा, फिर तब आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि पदार्थ में भी अगर हम पढ़ेंगे तो पदार्थ में 41 गुण पढ़ाए जाएंगे, तो वो 41 गुण ऐसे हैं कि वो हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब हमें हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो उसको आप बाद में समझ में आएगा कि आप उस गुणों को कितना एलेबोरेट कर सकते थे। तो
तो अभी यहाँ पे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये जो हमारे गुण हैं, तो इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं ये हैं क्या क्या। तो जो गुरु होता है उसका मतलब होता है भारी, और मंद का मतलब होता है चिरकारी, हिम का मतलब होता है शीतल या ठंडा, स्निग्ध का मतलब है चिकना, श्लक्षण का मतलब साफ, और सांद्र का गाढ़ा, और मृदु का हो गया कोमल, स्थिर का हो गया जो स्थिर रहे यानी कि अचल, सूक्ष्म का हो गया जो माइन्यूट है बारीक, विशद का मतलब जो टूटने वाला है, और जो लघु है उसका मतलब हो गया हल्का, तीक्ष्ण का मतलब तीखा, उष्ण का मतलब गर्म, रुक्ष का मतलब हो गया रूखा सा, खर का मतलब हो गया यहाँ पे खुरदुरा, द्रव का मतलब पतला पानी जैसा, और कठिन का मतलब जो कठोर हो हार्ड हो, सर का मतलब जो सर 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 हो जैसे चल चलायमान हो, ठीक, और स्थूल का मतलब मोटा, पिच्छिल का मतलब लसीला। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन ये आपको किसी भी तरीके से याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सी थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो कि आपको ना समझ में आया हो, या कोई भी पार्ट आपको लगा हो कि जल्दी हो गया है थोड़ा सा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो को लेके कोई सजेशन हो या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको जो है वो भी हमको लिख दें, और जो बाकी के टॉपिक हमारे बच गए हैं तो उनको हम अगली वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम इसको अष्टांग हृदय का ये जो पहला चैप्टर है तो इसको हम पूरा निपटा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।